नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 8 दिसंबर को दिल्ली शराब नीति घोटाले में पैरानोड रिकॉर्ड इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी को जमानत दे दी है। शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की तरफ से दायर मामले में वरिष्ठ अधिकारी की गिरफ्तारी हुई थी। पैरानोड रिकॉर्ड दुनिया की सबसे बड़ी शराब निर्माता कंपनियों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के रीजनल मैनेजर बेनाय बाबू को जमानत दी है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया है और इस मामले में बेनाय बाबू के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का भी नाम शामिल है। और सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि मामले में सुनवाई शुरू नहीं हुई है और आरोप तय नहीं हुए। अदालत ने इस बात को ध्यान में रखते हुए जमानत दे दी है कि वह 13 महीने से सलाखों के पीछे है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी इतने लंबे समय तक लोगों को हिरासत में नहीं रख सकती। बेनाय बाबू को जमानत देते हुए अदालत ने टिप्पणी की है, आप मुकदमे से पहले लोगों को लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते, ये ठीक नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि हमें नहीं मालूम कि ये कैसे होने वाला है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई जो आरोप लगा रही है और ईडी ने जो आरोप लगाए हैं उनमें विरोधाभास प्रतीत होता है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ये कहते हुए जमानत दी है कि बाबू 13 महीने से जेल में रह चुके हैं। शराब नीति घोटाला मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच काफी खींचतान भी चल रही है। शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत आपके 2 वरिष्ठ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। सिसोदिया फरवरी से और संजय सिंह अक्टूबर से जेल में बंद है। अभी के लिए सिर्फ इतना है। नमस्कार।